हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांके लाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स, बांके लाल और बुलबुला का दैत्य। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। उधर परीलोक के भोजन कक्ष के बाहर बैठा बांके लाल परीलोक के झूठे बर्तन साफ कर रहा था। बुहू बुहू, बाके एक दिन झूठे बर्तन भी साफ करेगा, ये कभी ना सोचा था। बहु बहु, ए बांकेलाल, जल्दी जल्दी हाथ चला, भोजन का समय हो गया है। ओह, अगर ऐसी बात है सैनिक जी, तो मैं पहले भोजन ही कर लेता हूँ। क्या कहा? अरे कंबख्त, भोजन का समय तेरा नहीं, परिरानी, तितोली और परालोक के अन्य नागरिकों का हो गया है। यहाँ सब एक साथ ही भोजन करते हैं, पंख मुंडों को छोड़कर। ओह, इसका मतलब अभी कुछ देर और भूखा ही रहना होगा। फिर जब परी रानी तितोली और अन्य भोजन करके चले गए। अरे वैद्य जी, आप सैनिक, आज मुझे दवा लाने में कुछ देर हो गई। परी रानी तितोली ये दवा भोजन के बाद ही लेती हैं। उनसे कहना कि मैं भ्रमण के लिए दूसरे नगर जा रहा हूँ, ये दवा एक सप्ताह तक नियमित रूप से लेनी है, तुम जाकर उन्हें दवा दे दो। क्यों नहीं वैद्य जी, मैं अभी ये दवा परी रानी के पास पहुंचा देता हूँ। दवा की कई पुड़िया देखकर वैद्य जी चले गए। तब ओह, बड़ी भूख लगी है, दवा की ये पुड़िया रानी जी को देने गया तो जरूर पेट फट जाएगा मेरा, किंतु ये दवा उन्हें पहुंचानी तो होगी ही। और तब सैनिक की नजर पड़ी बाके लाल पर। ओह, यह काम बाके लाल को सौंप देता हूँ। सैनिक ने वे सारी पुड़िया बाके लाल को थमा दी। बाके लाल, जल्दी से ये दवा परी रानी तितोली को दे आओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन परोस कर रखता हूँ। किंतु यह दवा है कैसी? परी रानी को नींद न आने की बीमारी है, यह नींद लाने की एक सप्ताह की दवा है, जल्दी जाओ। ओह ठीक है। और इसी के साथ चलने लगी बांके लाल की शैतान खोपड़ी अपनी चाल। ही। बांके लाल, ऐसी नींद सोएगी फिर कभी ना उठ पाएगी। बांकेलाल सीधा पहुंचा राज उद्यान में। इन पुड़ियों की दवा की जगह परिरानी तितोली को भेजता हूँ राज उद्यान के गमलों की सफेद मिट्टी। ही। इस दवा का कमाल मैं कल दिखाऊंगा परीलोक वासियों को। ही। इधर बांकेलाल अपनी योजना बना रहा था, और उधर बुलबुला के राजमहल में। दैत्यराज की जय हो दैत्यराज, महागुरु जुगाली राज अपनी तपस्या पूर्ण करके महल लौट रहे हैं। क्या क्या सच? दैत्यराज सहित दैत्यों की भारी भीड़ जुगाली राज का स्वागत करने पहुंच गई महल के मुख्य द्वार पर। महागुरु जुगाली राज, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुगाली करता हुआ धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था जुगाली राज। दैत्यराज बुलबुला आपका स्वागत करता है महागुरु। चबड़ चबड़। दैत्यराज, मेरी तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया है कि परलोक में प्रवेश के पश्चात दैत्य भस्म नहीं होंगे। चबड़ चबड़। यह सुनते ही दैत्यराज बुलबुला की प्रसन्नता का न कोई ठोर रहा और न ठिकाना। वाह, अब तो मैं कल प्रातः ही सेना लेकर चढ़ाई कर देता हूँ परलोक पर और छीन लेता हूँ सबके पंख। हा, ताकि मेरे सैनिक पृथ्वी पर जाकर और अधिक मानव ला सके। परलोक में अगले दिन भोजन से पूर्व बांके लाल अपना जाल फैला रहा था। ये बर्तन रसोई घर में प्रवेश करने में मेरी मदद करेंगे। रसोई घर में प्रवेश करने के साथ ही बांके लाल ने बर्तनों को पटका और जल्दी कर बांके लाल बेटे, भोजन के लिए सब आते ही होंगे सबके सब। बांके लाल ने पुड़िया में रखी सारी दवा खीर में भरी डेग में उड़ेल दी। अब आएगा मजा। इन सब के मूर्छित होते ही मुझे अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। फिर जैसे ही बांके लाल दवा डेग में उड़ेलकर रसोई घर से बाहर निकला, ओहो, सभी परिलोकवासी परिरानी तितोली के पीछे पीछे आ रहे हैं भोजन कक्ष की ओर। परिरानी तितोली सहित सभी परिलोकवासी भोजन करने लगे। उफ, रात दवा लेने के बाद मुझे नींद नहीं आई, न जाने इस बार वैद्य जी ने कैसी दवा दी है। और भोजन करते ही, ओहो यह क्या, भोजन करते ही मेरा सिर भारी हो गया, मुझे गहरी नींद आ रही है। देखते ही देखते
सब बेहोश होकर वहीं लुढ़क गए। वाह, बन गया काम। वह दृश्य देखता मां के लाल के साथ खड़ा पंख मूटा सैनिक चौंक पड़ा। अरे यह क्या, भोजन करके ये सब तो यहीं सो गए। किंतु अगले ही पल प्रसन्न हुआ वह भी भोजन पर टूट पड़ा। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी लगे हाथों पेट पूजा कर लूं, कमबख्त भूख बहुत लगती है मुझे। खीर खाते ही वह भी लुढ़क गया। चलो अच्छा हुआ ये भी गया काम से। ही, अब पूरे परिलोक में केवल मैं जाग रहा हूँ। हा। तब बांके लाल ने शुरू किया अपना काम। सबसे पहले निकालूंगा परीरानी तितोली के पंख, कड़ाक। एक एक करके बांके लाल परिलोक के सभी निवासियों के पंख उतारता चला गया, कड़ाक। अब पता चलेगा तुम सबको कि ये पंख मुंडा बांके लाल क्या चीज है। कुछ ही देर में पंखों का एक विशाल गट्ठर बना रखा था बांके के सामने। हा, अब ये पंख मैं फेंक दूंगा पृथ्वी पर। हा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी होते ही बांके का हाथ गया अपनी प्यारी चोटी तक। हा। अब खोलूंगा मैं अपनी चोटी में लगी गांठ को। पृथ्वी पर राजा अनारदाना के महल के प्रांगण में एकत्रित थी राजा की सेना। राजा अनारदाना अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। सैनिकों, बुलबुला के दैत्यों के बार 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 के हमलों से हमारी प्रजा में भय फैल रहा है। इस भय को समाप्त करने के लिए हमें दैत्यों को सदा के लिए समाप्त करना होगा। आज से नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का एक ना एक जत्था हर समय तैनात रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सैनिक जत्था दैत्यों का जमकर मुकाबला कर सके। यही नहीं, हमने अपने पालतू कबूतरों को भेजकर परिलोक की रानी तितोली से पंख निर्माण की तकनीक भी हमें देने की प्रार्थना की है, ताकि पंखों का निर्माण हमारे निजी कारखानों में हो सके। तब हम उड़कर दैत्यों का मुकाबला बुलबुला तक कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक उसी क्षण बांकेलाल ने पंखों का वह विशाल गट्ठर पृथ्वी की ओर धकेल दिया। आज मिलेगी मेरे दिल को शांति। किंतु बांके लाल की बदकिस्मती, राजवैद्य ने बांके लाल की वह कारस्थानी देख ली। अरे यह तो बांके लाल है, लेकिन ये इसने धरती पर इतना बड़ा गट्ठर कैसा फेंका है। राजवैद्य बांके लाल के पास पहुंचे और बोले, बांके लाल कैसा गट्ठर था वो जो धरती की तरफ धकेला है तुमने। राजवैद्य मर गए, उफ, ये तो सप्ताह भर बाद लौटने वाला था। जवाब दो बांकेलाल, तुमने कैसा गट्ठर फेंका है धरती पर, और परिलोक के सब लोग कहाँ हैं। वो वैद्य जी, मैं रसोई घर पहुँचते ही वैद्य जी सन रह गए। यह क्या, सब परापरियों के पंख कहाँ गए। ओहो, तो तुमने इन सब के पंखों का गट्ठर फेंका है धरती पर। उफ आ, ओहो, हमें नींद ने आ घेरा था। फिर अपने पंखों की ओर निगाहें जाते ही, ओह, हमारे पंख कहाँ गए। सभी के पंख गायब है। यह कारस्तानी बांके लाल की है परीरानी। परीरानी तितोली की नजरे पा जाकर ठहरी राजवैद्य और बांके लाल पर। राजवैद्य जी, आपने तो बांके लाल को कहा था कि आप एक सप्ताह के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं। जी हाँ परीरानी, मैंने ऐसा कहा था, किंतु राह में मेरी मुद्राओं की थैली न जाने कहाँ गिर गई, अतः मुझे वापस लौटना पड़ा। किंतु यह सब मैंने बांके लाल से नहीं, मोहर सिंह से कहा था। क्यों मोहर सिंह। जी हाँ राजवैद्य जी, किंतु मैंने दवा परीरानी को सौंप आने का कार्य बांके लाल को सौंप दिया था। मुझे क्षमा करना परीरानी। ओहो, अब समझ में आया सारा चक्कर। अपने पंखों का बदला लेने के लिए बांके लाल ने नींद की दवा देकर तुम सबके पंख तोड़ डाले और उन्हें धरती पर फेंक डाला। क्या, मर गए बेटे बांके लाल, अब तू नहीं बचने का। यह सुनते ही परीरानी क्रोध में लाल पीली हो उठी। बांके लाल, तेरी ये जुर्रत, हम तुझे मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड, किंतु परीरानी, ले जाओ बांके लाल को, कल इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नहीं। तभी गूंज उठा शोर, मारो मारो मारो। यह शोर कैसा है सैनिक, मैं अभी देखता हूं परीरानी। सैनिक घबराया सा लौटा।
गजब हो गया परिरानी, दैत्य राज के नेतृत्व में दैत्य सेना परिलोक में घुस आई है। क्या, किंतु दैत्य परिलोक में प्रवेश करके भी जीवित कैसे हैं? संकट पर संकट, जाओ उनका मुकाबला करो। दैत्य राज के नेतृत्व में चली आ रही थी दैत्य सेना। ले जाएंगे परिलोक के सारे पंख ले जाएंगे। उसी समय ही पृथ्वी पर आकर गिरा पंखों से बना गट्ठर। ठाक, चौंक पड़े राजा अनारदाना और सभी सैनिक। इतने ढेर सारे पंख, पंखों का विशाल गट्ठर, ये पंख किसने गिराए हैं ऊपर से? तभी परिलोक गए दोनों कबूतर भी वापस लौट आए। उन्होंने राजा अनारदाना के कानों में जाने क्या गुटरगू की कि चौंक पड़ा राजा। गुटरगू गुटरगू, क्या परिलोक पर दैत्यों का आक्रमण? ओह, लगता है परी रानी तितोली ने हमसे मदद मांगी है और ऊपर जाने के लिए पंख भेजे हैं। अगले ही पल राजा अनारदाना ने चीख कर आदेश दिया, सैनिकों, दैत्यों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। उठाओ ये पंख, हमें इसी समय परिलोक पहुंचना है। राजा अनारदाना अपने वीर सैनिकों की विशाल सेना के साथ उड़ चला परिलोक की ओर। चलो, उधर परिलोक की सेना के हाथ पांव फूले पड़े थे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि दैत्य इस प्रकार अचानक आक्रमण कर देंगे। हमारे तो शस्त्र भी जंग खा चुके हैं। दुखी हो गई परी रानी तितोली, लगता है हमें अचानक पराजय का सामना करना होगा। इधर पांकेलाल मन ही मन बेहद प्रसन्न था। जब मैं दैत्यराज को पृथ्वी पर उस स्थान का पता बताऊंगा जहां की मैंने वे पंख गिराए हैं, तो वह प्रसन्न होकर मेरे प्राण अवश्य बख्श देगा और इन सबको वह बनाएगा अपना गुलाम। ही ही ही। परिलोक को दैत्यों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। हा हा हा। और अचानक चौंक पड़ा दैत्य राज बुलबुला, अरे इन सबके पंख कहाँ गए? पंखों के लिए ही तो किया है हमने ये आक्रमण। तभी उठा तीव्र शोर। यह शोर कैसा है? मारो मारो। यह शोर तो पृथ्वी की ओर से आ रहा है दैत्यराज, हम पता लगाते हैं। घबराए हुए लोटे तोड़ू और मरोड़ू, दैत्यराज पृथ्वी लोक से विशाल सेना उड़ती हुई इधर ही आ रही है। क्या? मरोड़ू बेहद घबराया हुआ था। दैत्यराज, पृथ्वीवासियों के नुकीले व तेज शस्त्रों से बचना मुश्किल है। क्या, उफ, अब क्या होगा? परिलोक में प्रवेश कर गई राजा अनारदाना की सेना। मारो मारो, वे रहे दैत्य। टूट पड़े राजा अनारदाना और उसके सैनिक दैत्यों पर। तीर मारो, भाला फेंको, तलवार मारो, काट डालो बस उन्हें, राजा अनारदाना ने चीख कर कहा। परी रानी तितोली, घबराना नहीं, तुम्हारे भेजे पंख हमें मिल गए हैं और हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। इन दैत्यों से तो हमें भी बदला लेना है। भला दैत्य पृथ्वी सैनिकों का मुकाबला तो तब करते ना जब वह उन नुकीले तीर भालों व तलवारों से बचकर उन तक पहुंच पाते। उफ, खच, आ, हाय, दैत्यराज बुलबुला की एक आंख शहीद हो गई। खच, अरी मोरी मैयारी। तोड़ू और मरड़ू का था बुरा हाल। बचाओ दैत्यराज, भाग लो, अन्यथा तुम्हारी भी जिंदगी का बुलबुला इसी तरह फूट जाएगा। आ बहु बहु। अब घबराया दैत्यराज भी, भाग लो। यह देख परिलोकवासी भी पिल पड़े दैत्यों पर। नाक में दम कर रखा था इन दैत्यों ने, नाक ही काट दो इनकी। दैत्यराज की राह रोक ली राजा अनारदाना ने। दैत्यराज कहाँ चले, आज ना बचोगे। छोड़ दो राजा, जाने दे, बहु बहु। छलनी होकर रह गया दैत्यराज का शरीर। आई, सभी दैत्यों का सफाया हुआ देख सब प्रसन्नता से चीख पड़े, विजय हुई। परी रानी तितोली बाग बाग हुई पहुंची राजा अनारदाना के निकट। हे पृथ्वी सम्राट, अगर आज आप समय पर यहाँ ना पहुंच पाते तो दैत्यों का सफाया असंभव था। समय पर पंख तो आप ही ने फेंके थे मेरे महल के प्रांगण में परी रानी तितोली। फिर मेरे भेजे दोनों कबूतरों ने जब मुझे बताया कि परिलोक संकट में है तो मैं तुरंत चला आया, रुका नहीं। हमने नहीं, पंख तो पांके लाल ने फेंके थे। पांके लाल? और अब तक
बांकेलाल सोच समझ चुका था कि इन बदले हुए हालातों में उसे क्या कहना है। परी रानी, वह पंख मैंने बदला लेने के उद्देश्य से नहीं बल्कि परीलोक की दैत्यों से रक्षा करने के लिए ही नीचे फेंके थे। जब पृथ्वी सम्राट के वे दोनों कबूतर सीधे मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि दैत्य परीलोक पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो मुझे लगा कि परीलोक दैत्यों से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अतः मैंने यह योजना बना डाली। हो और हम तुम्हें गलत समझते रहे, हमें क्षमा कर दो बांकेलाल, तुमने तो पूरे परीलोक की रक्षा की है। मुझे भी क्षमा करे बांकेलाल, जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो है अपनी फूटी किस्मत से शिकायत। बहु बहु, यदि मुझे पता होता कि दैत्यराज भी परों के पंखों के चक्कर में है तो क्या मेरे सिर में पीड़ थी जो मैं ऐसा करता। और तभी मेरा प्यारा बांकेलाल, उफ, ये तो मुच्छड़ है, ये मरा नहीं अभी तक, अब ये अपने बदबूदार मुंह से मेरी पुच्ची लेगा। मेरा प्यारा बांकेलाल, तेरे बिना तो सब कुछ फीका हो चला था रे, मेरे चांद, पुच्छ, बचाओ। और तभी हो गए दोनों गायब। अरे ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों तो गए, अब हम भी पृथ्वी लोक वापस जाएंगे। आप अपना एक परा पंखों को वापस लाने के लिए हमारे साथ भेज दे परी रानी तितोली। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स बांकेलाल ततैया लोक में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।